जब जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गया बाबा का बुलडोजर, शुरू हो गई ताबड़तोड़ खुदाई। खुदाई में जो निकला उसने उड़ा दिए सबके होश। रामपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाबा का ये पीला पंजा अचानक से आधम का जौहर यूनिवर्सिटी, पूरा पुलिस लवाजमा भी साथ था। और फिर जो एक्शन हुआ वो आपके सामने है। इधर खुदाई उधर खुदाई, हर कोई हैरान रह गया। जब ये खुदाई का काम पूरा हुआ, आखिर ऐसा क्या मिला खुदाई के दौरान, वो हम आपको जरूर बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि आखिर अचानक से ये एक्शन क्यों हुआ। दरअसल दो दिन पहले पुलिस ने सालिम और अनवार नाम के दो युवकों को पकड़ा था जो अब्दुल्ला आजम के करीबी बताए जाते हैं। इन दोनों को एक वायरल वीडियो के चलते पकड़ा गया था जिसमें ये जुआ खेलते दिखाई दे रहे हैं। मामला तो केवल जुए का था, लेकिन जब ये दोनों पकड़ में आए तो पुलिस ने इनसे उगलवाया वो राज जिसने मचा दी रामपुर से लेकर सियासी गलियारे में सनसनी। हाँ, अभी और भी कार्रवाई जारी है, कई राज अभी और खुलने बाकी हैं। ये वही आरोपी जिनको लेकर समाजवादी पार्टी वालों ने धरना दिया था। हाँ, ये कल धरना दिया था उन्होंने कप्तान साहब के आवास पर, तो ये बहुत नजदीक है उनके जो है। ईडी ने भी इनसे पूछताछ की है। हाँ, कल ईडी भी आई थी, पूछताछ करके गई ईडी, तो उन्होंने तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले उस संबंध में इनसे पूछताछ की। अभी खुदाई जा रही है, अभी जा रही है, विवेचना जारी है। अभी इनका रिमांड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होता है अभियुक्तों को। अभी हम माननीय सीजीएम कोर्ट में जाएंगे अभियुक्तों को लेकर और वहाँ पर इनका रिमांड अप्लाई करेंगे, इनसे और कई चीजें बरामद होनी है। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस आधम की जौहर यूनिवर्सिटी और खोद डाली जमीन, तो जमीन के अंदर से खुल गए कई राज और मिल गई ऐसी मशीन जिसने बढ़ा दी आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें। ये दोनों जो माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला, उनके बहुत नज़दीकी हैं और इन्होंने पूछताछ पर कई तरह की चीज़ें बताई थी। तो आज वाकर अली ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया कोतवाली में, जिन्होंने बताया कि पूर्व की सरकार में एक नगर पालिका ने जमीन साफ करने के लिए, सफाई के लिए एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी थी करोड़ों रुपए की, जिसकी कीमत थी, और वो मशीन यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल की जा रही थी शहर में ना करके। और जब नई सरकार बनी तो उस मशीन की खोजबीन हुई, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और यहाँ के कुलपति उपकुलपति और उनके साथियों ने मिलकर उस मशीन को कटवाकर यहाँ पर दबवा दिया है। तो जब इस मुकदमे की विवेचना की तो जो कल गिरफ्तार हुए थे जुआरी, तो सालिम और अनवार ने ये बताया कि ये मशीन हम लोगों ने कटवाई थी और यहाँ पर दबवा दी है। तो जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त थे जुए के मामले में कल, अनवार और सालिम, तो उनकी निशादेही पर ये खुदाई हुई है और एक मशीन बरामद हुई है। दरअसल खुदाई के दौरान मिली ये सफाई मशीनें भ्रष्टाचार की उस कहानी को बयां कर रही हैं, जिसे बड़ी ही सफाई से ठिकाने लगा दिया गया था। इन मशीनों को नगरपालिका द्वारा करोड़ों की लागत से खरीदा गया था, लेकिन इनका इस्तेमाल किस लिए होना था और कैसे हुआ ये तो अब आप जान ही चुके होंगे। बाद में करतूत को छुपाने के लिए इन सफाई की मशीनों को जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन में दफना दिया गया। अब इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक IPC की धारा 409, 120 बी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 2 और 3 के तहत FIR दर्ज की गई है। आजम खान पर 3 स्कूलों के फर्जी कागजात से मान्यता लेने के मामले में भी हाल ही में मुकदमा दर्ज हुआ था और अब ये खुलासा। वैसे ये भी जान लीजिए कि कैसे ये मुसीबत आजम के सिर आ गई। दरअसल दो दिन पहले अखिलेश यादव आजम खान से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान फोटो खिंचवाने के चक्कर में सालिम और अनवार नाम के युवक फंस गए। फोटो खिंचवाने के चक्कर में एक वायरल वीडियो की वांटेड ये दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिर ये दोनों आ गए ईडी के रडार पर। जैसे जैसे सख्ती बढ़ी, पूछताछ के बाद ये उगलते गए कई राज। वैसे इनकी गिरफ्तारी पर सपा के नेतागण SP ऑफिस का घेराव करने भी पहुंच गए थे और नारेबाजी भी की थी, वो तस्वीरें भी देख लीजिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सपा के यही नेता आएंगे कुछ भी कहने या करेंगे प्रदर्शन। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, UP तक।